हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हिप क्रीम बनाने का तरीका। कैसे व्हिप क्रीम आप बहुत आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने बॉक्स लिया है, ये किसी भी बेकरी स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। ये व्हिप क्रीम का बॉक्स है, जहाँ भी केक की शॉप होगी या कोई भी आपकी बेकरी स्टोर है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले इस तरह का एक पतीला लिया है मैंने, और यहाँ दूसरे पतीले में बर्फ़ ली है। ये दोनों चीज़ें ठंडी हैं। व्हिप क्रीम बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम ठंडे होने चाहिए। अगर बर्तन ठंडे होंगे तो आपकी व्हिप क्रीम बहुत जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ ये जो पतीला जिसमें ये मैं क्रीम डाल रही हूँ, ये करीबन 3 से 4 स्कूप क्रीम मैं इसमें डालूँगी। ये 4 स्कूप मैंने क्रीम इसमें डाली है, और अब ये विस्कर की हेल्प से हमें इसमें ग्राइंडर का या ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है। इस विस्क की हेल्प से हम केक की जो आइसिंग वाली क्रीम होती है वो बनाएंगे। तो अब इसको हमें अच्छे से चलाना है। ये जो क्रीम है ये भी फ्रिज से मैंने निकाली है, ये जो बर्तन है इसको भी मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। अब ये जो इसके नीचे जो मैंने पतीला रखा है उसमें ढेर सारी बर्फ़ है, तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से इसको ठंडक मिल रही है, और जितनी ज़्यादा ये चिल्ड होगा उतना जल्दी हमारी जो व्हिप क्रीम है वो बनके रेडी होगी। तो अब आपको अपने हाथों की फुल स्पीड से इसको चलाना है। ये देखिए, करीबन 2 मिनट चलाने के बाद जो क्रीम का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, और ये क्रीम देखिए, लेकिन अभी भी ये रेडी नहीं है। केक की आइसिंग की जो क्रीम होती है उसकी यही पहचान होती है कि विस्क जब आप उठाएंगे तो उसमें पीक बनेगी। मैं ऐसे विस्क को मथनी की तरह ऐसे घुमा भी सकते हैं। लगातार 5 मिनट तक हमें इसे चलाना है, और अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीनी डालूंगी। ये लगातार मैंने इसको 3 मिनट तक चलाया है, उसके बाद इसमें मैंने चीनी ऐड की है। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने चीनी ऐड की है। ये देखिए, अब क्रीम जो है वो थोड़ा इस टेक्सचर में आ गई है, लेकिन अभी भी ये केक के लिए रेडी नहीं है। तो अभी इसको हम और अच्छे से चला लेंगे। विस्कर को आप जितनी स्पीड में चलाएंगे उतनी जल्दी आपकी क्रीम बन जाएगी। करीबन 4 मिनट बाद ही अभी ये क्रीम रेडी नहीं है, इसको अभी 1 मिनट तक और चलाएंगे हम। और ये देखिए, थोड़े थोड़े जो पीक्स हैं इसमें फॉर्म हो गए हैं, तो हमारी क्रीम जो है वो लगभग तैयार है। तो यहाँ पर मैं इसमें 3 to 4 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस डाल दूँगी, और अब इसको 1 मिनट तक और चला लेंगे। अब देखिए, हमारी जो व्हिप क्रीम है वो बिल्कुल रेडी है, इसमें पीक्स अच्छे से फॉर्म हो रही हैं। तो ये रेडी है अब आइसिंग के लिए। आप इसे केक की आइसिंग के लिए बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।